सेकंड ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आज वासा के ऊपर ऐसे हम नकात उठा रहे हैं जो पहले नहीं उठाए, और इम्तियाज साहब से भी बात करने का इससे मजा आ रहा है और दिलचस्प गुफ्तगु लग रही है, क्योंकि वो थोड़े टेक्निकल तरीके से बात कर रहे हैं। इससे पहले हम कभी वाइस चेयरमैन से बात करते हैं तो वो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। इम्तियाज साहब, अगर आपने एक लाहौर की अगर आप बात करते हैं, और लाहौर के जो ओवरऑल सर्वे है पूरी दुनिया का, ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वेस्ट जो शहर करता है पानी को, सबसे ज्यादा जाया पानी जो शहर कर रहा है, उसका शुमार उस लिस्ट में लाहौर शहर का शुमार जो है वो सर फहरिस्त है। तो आपको अभी बहुत ज्यादा काम करना है। आपको जिस तरह से हुकूमत ने एक दौड़ चलाई थी कि बिजली चोरी करना काबिले सजा जुर्म है, तो आपको भी एक कैंपेन चलानी पड़ेगी, और बड़ा अरसा लगेगा लोगों को ये बताने में कि जो पानी चोरी कर रहे हैं दरअसल उसको वो सजा भी हो सकती है, उसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है, उसमें आप जेल भी भुगत सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन लिया, कि क्योंकि अभी हमने पिछले वीक ये डिसाइड किया है कि हम एक एमएनएसटी स्कीम ला रहे हैं, वो हमें गवर्निंग बॉडी से अप्रूव अगर हो गई तो हम एक एमएनएसटी स्कीम जो है वो ला रहे हैं, जिसमें शायद हम लोगों को एक महीना दें कि वो अपने जो इलीगल कनेक्शन है वो उसको लीगलाइज करा लें, और उसके लिए हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो हमारे नेट में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर कनेक्शन दोबारा से कर देंगे, वक्त देंगे लोगों को, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि पहले तो करप्शन जो थी वो लीगल थी ना, तो बेचारे लोगों ने वो कर दी है सारे, क्योंकि ऊपर भी खा रहे हैं नीचे भी खा रहे हैं सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि अब ऊपर से ठीक हुए तो मैं नीचे से भी ठीक होना पड़ेगा। इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर पानी चोरी हो सकता है? जी बिल्कुल हो रहा है, और मैंने काफी कनेक्शन जो वो लीगलाइज हुए भी हैं पीछे, और अब आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे, आप सबके सामने ही ऐसा होगा कि जो एमनेस्टी स्कीम है इसमें अगर लोग वॉलंटरीली कनेक्शन को लीगलाइज नहीं करवाएंगे तो उसके लिए हमने सजा भी एक जो है वो रखी है, बल्कि वो ऑलरेडी मौजूद है, 1,00,000 रुपए तक जुर्माना जो है जो हाउस का इम्प्लीमेंटेशन है, लॉ था हमारे मुल्क में बहुत सारे उसके लिए, बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है, लेकिन वो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई इज अ डिफरेंट पार्टी, पीटीआई के लोग डिफरेंट है, पीटीआई की सोच डिफरेंट है। अब इस यहाँ पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं, लोग हेलमेट पहन के जा रहे हैं, लोग सीट बेल्ट पहन के जा रहे हैं, लोग जो है वो ट्रैफिक पे रुक रहे हैं, हाईकोर्ट का हुक्म था, इम्प्लीमेंट हमने करवाया, हाईकोर्ट का हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट तो हमने करवाया ना, कुछ चीज का तो क्रेडिट हमें दे रहे हैं। देखें मदीहा, फिर हम इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये एमनेस्टी स्कीम मुतारफ करवा रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनके साथ खड़े हैं, फिर दुआ करते हैं कि मुकम्मल दुआ करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जितने भी इलीगल कनेक्शंस हैं ये लीगलाइज हो जाएं, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि फिर एक महीने का टाइम देने के बाद वो लीगलाइज ना हुए तो फिर आपके पास इन्फोर्समेंट में है क्या? क्या एक स्टेट ऑफिसर है आपके पास इन्फोर्समेंट में, या आपके पास पाइप फिटर है वो जाके चलान करेंगे? इन्फोर्समेंट उनकी किस तरह करनी है? जब तक ये जिस तरह आप अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं हेलमेट की, और आप उसका अपना क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई है, तो इन्फोर्समेंट के जरिए करवाई है ना वाइस चेयरमैन साहब, अगर ये इलीगल कनेक्शन पकड़ने के लिए आपके पास इन्फोर्समेंट ही नहीं होगी तो फिर हर माह आप एमनेस्टी स्कीम ही लगता है मुतारफ करवाएंगे, क्या करेंगे फिर? इसके बाद इंशाल्लाह हमारे दौर में तो एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो सख्ती हमें करनी पड़ेगी, कि अगर लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं तो फिर वो, मेरा नहीं ख्याल कि जो सब्सिडरी है उनकी सब्सिडरी जो है कोई और पे कर रहा है, गरीब आवाम का पैसा जो है वो हम टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं हम जो नीचे से करप्शन खत्म करने में हमने नहीं देखा, तो इम्तियाज साहब आप क्या गारंटी देते हैं कि अब जो आप हमें दिखा रहे हैं, हमें उम्मीद दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि ये होता नहीं है। मदीहा, माजी में ये जिस तरह अभी वाइस चेयरमैन साहब कह रहे हैं, ये इन्फोर्समेंट के लिए एक इन्फोर्समेंट एजेंसी वासा अपने पे रोल के ऊपर लेकर आया, और फिर उसके बाद उसको जिम्मेदारी ये दे दी कि जाके गटरों के ढक्कन चेक करें, तो माजी तो नहीं दोहराना फिर से वाइस चेयरमैन साहब? माजी में करप्शन लीगल होती थी ना, अब करप्शन हो गई है इलीगल। अच्छा। अब हम मजिस्ट्रेट लेके आएंगे वासा में इंशाल्लाह ताला, और फिर ये फौरी तौर पे जो सजाएं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो होगी, ये कोई हमने कोई मजाक नहीं,
हमने मुल्क को जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, जब हम 5 साल बाद जाएं और हम सुरखरुख होके जाएं। टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, क्विकली सवाल का जवाब दीजिएगा। जहां हमने शहर ठीक करना है, वहां आपने अपना महकमा भी ठीक करना है। वासा के घोष्ट मुलाजमीन, वासा का जो डीजल स्कैंडल है और वासा के चैम्बर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट है, शॉर्ट आंसर दीजिएगा, कैसे खत्म करेंगे? जी, गोश्त मुलाजमीन पे तो इंशाल्लाह ताला हमारे वर्कर जो हैं, जैसा कि हम पैरेलल पीटीआई के वर्कर्स को यूनियन कौंसिल लेवल पे बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह निशानदेही हो जाएगी, अगर कोई हुआ तो इनको वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। और उसके अलावा जो डीजल की चोरी है वो जो है उसके लिए कुछ सजेशंस हैं, और मेरा ख्याल हमारे जो MD साहब हैं उन्होंने काफ़ी उस पर इम्प्लीमेंट भी किया है, डीजल पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहे हैं और कुछ जगह पर लग भी गया है। MD हमारे माशाल्लाह से बहुत एफिशिएंट हैं, और ऊपर का अमला जो है मैंने देखा है कि बड़ा एक कॉम्पिटेंट हमारा जो अमला है। निचले लेवल पे ज़रूर अभी तक थोड़ी सी इस्लाहात की जाने की ज़रूरत है, टीम बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पास, और आप देखेंगे कि लाहौर जो है वो वासा लाहौर जो है वो पाकिस्तान में ना एक सिम्बोलिक अदारा बनेगा, और वो आप देखेंगे कि दूसरे लोगों के यहाँ से विजिट करके दूसरे वासाज जो हैं वो सीखने के लिए आएंगे। ठीक है, ज़ेन एंडिंग रिमार्क्स दीजिएगा शॉर्टली। इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, और ऐसी इस्लाहात लेकर आएं जिससे अवाम को फ़ायदा हो। जो अवाम की सबसे पहली ज़रूरत है कि साफ पानी की फराहमी और सीवरेज का निज़ाम बेहतर, सबसे पहले उसके ऊपर काम करें और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को साथ लेकर। और मेरा पैगाम ये नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी बचाइए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।